मध्य प्रदेश में सागर के बाद अब सतना में बीजेपी नेताओं के बीच आपसी कलह सामने आया है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने खुले मंच में अपनी ही पार्टी के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें राक्षस तक कह डाला, साथ ही उन्हें मैहर में घुसने नहीं देने की चेतावनी भी दी है। बीजेपी विधायक ने सांसद को राजनीतिक प्रोटोकॉल का पालन करने और घमंड छोड़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही राक्षसों के लिए मैं राजनीति में आ जाऊं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और सुधार न हुआ तो सांसद का मैहर में प्रवेश बंद कर देंगे। नारायण त्रिपाठी रविवार को अपने जन्मदिन के मौके पर मैहर के सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद गणेश सिंह ने लोकार्पण रोकने की कोशिश की। वे हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। जब लोकार्पण की सभी तैयारियां पूरी हो गई और हम वहां पहुंचे तो सांसद ने अधिकारियों को फोन पर कहा कि लोकार्पण मंत्री करेंगे, लेकिन कब कौन मंत्री करेंगे ये नहीं बताया। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, जब काम हमारे प्रयास से हो रहे हैं तो उसके भूमि पूजन लोकार्पण पर निर्णय लेने वाले सांसद कौन होते। विधायक का भी प्रोटोकॉल होता है, राज्य शासन की योजनाओं और पैसे से होने वाले कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन लोकार्पण विधायक करते, लेकिन किसी भी विधायक का क्षेत्र हो सांसद वहां टेढ़े मेढ़े चलते हुए छाती फुलाकर पहुंच जाते हैं। सांसद अपनी योजनाओं अपने काम का शिलान्यास लोकार्पण करें, विधायकों के कामों का नहीं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के गणेश सिंह और कांग्रेस के अजय सिंह राहुल के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। उस वक्त नारायण कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने ऐन वक्त पर भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह का समर्थन कर दिया था, जिसके बाद सतना की चुनावी पिज्जा ही बदल गई थी और अजय सिंह राहुल को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में नारायण ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और 2016 के उपचुनाव में वे भाजपा से विधायक चुने गए। इस बीच गणेश सिंह और नारायण त्रिपाठी के बीच शीत युद्ध भी शुरू हो गया, जो अब भी जारी। ड्रामा सेंटर या मैहर में जितने काम हुए होंगे, हमारे कामों पर सांसद जी भूमि पूजन और शिलान्यास करके भाषण देके राजनीतिक नौटंकियां करते हैं, मैं बोलता नहीं, मौन रहता। मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों को, सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इस तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं राजनीति में, जो इस तरह की राजनीति करते हैं, हम हमेशा मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, कभी किसी मान सम्मान के खिलाफ कभी हम कोई शब्द भी नहीं बोलते। पर मैं भूमि पूजन में लोकार्पण के लिए आया और कई बार लोकार्पण की बातें हुई और लोकार्पण आने पर अपने समय नगर पालिका अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया, स्टाफ को बोला कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बुला लेना भैया। हर काम पर भूमि पूजन और लोकार्पण किस प्रोटोकॉल में है, सांसद जी मुझे बता दें। मैं मीडिया के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं चुनौती देता हूं कि सांसद जी के द्वारा किए गए मैहर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, मुझे खोज के ला के दीजिए, हम मैहर के सभी पत्रकारों का सम्मान करें। आज तक किए क्या है? प्रदेश सरकार की योजनाएं आती है, आप टेढ़े मेढ़े होकर चलते तो छाती फुलाते हो, कोई विधायक भूमि पूजन नहीं कर सकता, कोई लोकार्पण नहीं कर सकता। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी के बोले, सत्ता के बोले, मान लो मैं विपक्ष का भी होता तो हमारा अधिकार है, हमारे प्रोटोकॉल में है। आप केंद्र की कोई योजनाओं को ला के बताओ, उसका भूमि पूजन करो, उसका लोकार्पण करो, तो मैं मानूंगी बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र है। सांसद चार बार से सांसद हो, एक सतना लोकसभा का कोई ऐसा काम बता दे। यदि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करेगा तो मेडिकल कॉलेज शंकरलाल तिवारी की, शंकरलाल तिवारी मुझको पकड़ के सीएम के पास लेके गए थे, पन्ना या छतरपुर जाना था ये मेडिकल कॉलेज, तो मैं और शंकरलाल तिवारी रात को सीएम साहब के पास गए और बात किए कि शंकरलाल तिवारी जी फकीर अली है, इसके लिए कृपा कीजिए।